Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लो लॉरिस अटैक के बारे में। मैंने आपको इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो है वो अच्छे से बता दिया है, इस वीडियो में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा उसके बारे में। ये प्रैक्टिकल वीडियो है, इस वीडियो में अपन देखेंगे कि कैसे परफॉर्म किया जाता है। मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ इलीगल तरीके से कि आप डॉस अटैक किसी भी वेब सर्वर पे, लाइव सर्वर पे आप मतलब अटैक करो बिना परमिशन के। मतलब मैं कभी भी ऐसा बोलूंगा ही नहीं, बिल्कुल परमिशन प्रॉपर लेकर के अगर आपके पास ऑथराइजेशन है तभी आप अटैक परफॉर्म करना, क्योंकि ये वाला अटैक काफ़ी डेंजरस होता है। और आजकल के काफ़ी सारे सर्वर्स में ये मतलब काफ़ी सारे सर्वर्स इससे वल्नरेबल हैं, जैसे अपैचे 1.x या 2.x वाले जो भी हैं वो वल्नरेबल होते हैं। लेकिन इससे बचना मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको पार्शियल HTTP रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है बचने के लिए। तो इसका कंसेप्ट यही बोलता है कि मेरे को पार्शियल HTTP रिक्वेस्ट करनी है स्लो लॉरिस के केस में, और जो कनेक्शंस हैं, जो सॉकेट्स वगैरह जो भी हैं वो सारे खुले रखने हैं, और जितना हो सके उतना खुला रखना है, जितने कनेक्शंस हो सके उतने बनाने हैं HTTP कनेक्शंस, ठीक है। तो ये HTTP पे काम करता है, पोर्ट 80 पे, पोर्ट 443 पे। तो ये हमारा कंसेप्ट जो था इसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं कि कैसे परफॉर्म किया जाए। तो यहाँ पर मेरे पास एक वेब सर्वर है जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है XAMPP से। इसका IP मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 1.5। ये मेरा XAMPP का डिफॉल्ट पेज है, मैंने यहाँ पर सेटअप किया हुआ है। लेकिन मुझे इसको डाउन करना है कि लोग इसको एक्सेस ना कर पाएं। तो इसको डाउन करने के लिए मेरे पास स्लो लॉरिस है जो मेरे को यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो, काली वगैरह, तो उसके लिए उसमें आपके पास पाइथन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है स्लो लॉरिस की, ये मैं पाइथन वाली यूज़ कर रहा हूँ। ये स्लो लॉरिस का जो कंसेप्ट है वो मतलब आप दूसरे लैंग्वेज में बना सकते हो, लेकिन पाइथन में इसका जो है मतलब जो पैकेज है वो स्टैंडर्ड रिपोजिटरी से आपको मिल जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर ईजी पड़ेगा इंस्टॉल करना। तो पाइथन से आप पिप यूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हो बहुत ही ईजिली जो स्लो लॉरिस जो मतलब मॉड्यूल है वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो लिनक्स का जो कंसेप्ट है मतलब जो कमांड है वो सेम होगा, आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड होना चाहिए, ठीक है, पाइथन 3, और फिर आपको लिखना है पिप इंस्टॉल स्लो लॉरिस, एज सिंपल एज दैट। मतलब सिर्फ ये कमांड देना है, स्लो लॉरिस इंस्टॉल हो जाएगा। एक इसकी गिट रिपोजिटरी भी है, वो भी आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। स्लो लॉरिस GitHub मैंने शायद सर्च भी किया हुआ है, ठीक है। ये है हमारा स्लो लॉरिस लो बैंडविड्थ डॉस टूल। इसके बहुत सारे नाम है, स्लो लॉरिस, पाय लॉरिस, स्लो HTTP टेस्ट, बहुत सारे नाम है इसके। लेकिन आप चाहो तो यहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ये भी तो पिप इंस्टॉल से ही बता रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने अभी इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो मेरे पास अभी पहले से है, लेकिन आपके पास ये इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद अपन को क्या करना है, इंस्टॉल हो गया तो अपन को स्लो लॉरिस रन करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है, इसका यूसेज जो है। तो मैंडेटरी ऑप्शन क्या है यहाँ पे, कि आपको एक होस्ट नेम देना है, मतलब आप IP दे सकते हो यहाँ पे कि मतलब कहाँ पर आपको टेस्ट करना है, कहाँ पर आपको अटैक करना है। तो लो बैंडविड्थ मतलब बहुत ही कम बैंडविड्थ यूज़ करता है, बाकी जो टूल्स है ना वो काफ़ी सारे बैंडविड्थ यूज़ करते हैं, आपके जो नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है वो पूरी यूज़ हो जाती है, फिर आपका नेटवर्क ही डाउन हो जाता है। ये काफ़ी एफिशिएंट टूल है अटैक करने के लिए, और काफ़ी सारे वेब सर्वर्स इससे वल्नरेबल हैं आज भी। तो इससे बचना इजी है, लेकिन फिर भी लोग ध्यान नहीं देते हैं तो ये मतलब पॉसिबल होता है। तो मैं मतलब रेकमेंड करता हूँ कि ये अटैक आप ट्राई करके देखो, अगर आपको डॉस करना है तो काफ़ी ये काम, बहुत टाइम ये काम करता है, बाकी अटैक से ज़्यादा ये काम कर सकता है। तो यहाँ पर मेरे को क्या क्या देना है, मेरे को पोर्ट देना है कि कौन से पोर्ट पे करना है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 होता है, ठीक है। फिर सॉकेट्स बताने, नंबर ऑफ सॉकेट्स, ये सॉकेट्स पे डिपेंड करता है कितने सॉकेट्स आप देते हो, मतलब आप 300, 400, 500 सफिशिएंट होता है, 500 से ज़्यादा, अगर 500 में काम नहीं कर रहा तो बढ़ा दो, 1000 कर दो, 10000 कर दो, जितने आपके पीसी की मतलब जितने आपके पीसी का कैपेसिटी है उतना आप बढ़ा देना। और काफ़ी सारे और ऑप्शन है आप यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है, पोर्ट, सॉकेट, वर्बोस करना है क्या, यूजर एजेंट रेंडमाइज करना है, प्रॉक्सी यूज कर सकते हो अब अगर आपको एनोनिमस रहना है तो, प्रॉक्सी होस्ट और पोर्ट यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हो, और स्लीप टाइम मतलब एक हेडर के मतलब दो हेडर्स के बीच में कितना टाइम स्लीप करना है। आप जानते होंगे ये जो स्लो लॉरिस का कंसेप्ट है कि पार्शियल HTTP रिक्वेस्ट करता है, एक एक बाइट बहुत ही कम बाइट्स भेजता है, पूरे रिक्वेस्ट कभी भेजता ही नहीं है पूरा। तो यही कंसेप्ट है, इसको यूज करके देखते हैं। अभी मैं टाइप करता हूँ स्लो लॉरिस, और मेरे को यहाँ पर बताना है कि कितने सॉकेट्स मैं यूज़ करने वाला हूँ। बाय डिफॉल्ट कुछ होता है, लेकिन मैं डिफॉल्ट वैल्यू को मुझे पता नहीं है, तो मैं 500 दे रहा हूँ यहाँ पर, 500 सफिशियंट है फिलहाल इस लो क्वालिटी सर्वर के लिए जो मेरा XAMPP है यहाँ पे। और फिर पोर्ट आप दे सकते हो, ऑप्शनल है पोर्ट, वो वैसे भी 80 ले गई लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और फिर आपको होस्ट टाइप करना है, मैं होस्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, IP मेरे सर्वर का,
168.1.5। तो बस सिंपल सा यही कमांड है, बस आपको रन कर देना है। ये सॉकेट्स बनाएगा और बताएगा कितने सॉकेट्स बने हैं और ये अटैक किस तरीके से काम कर रहा है। एंटर करते हैं तो अटैकिंग बोल रहा है, 500 सॉकेट से अटैक करेगा, क्रिएट कर रहा है सॉकेट को। अटैक चालू हो चुका है और देखो ये सॉकेट काउंट बता रहा है कितने सॉकेट अभी बने हैं। तो पूरे नहीं बनेंगे, अगर पूरे नहीं बन रहे हैं ना, मतलब 500 भी नहीं बन रहे हैं, तो समझ जाना कि अटैक आपका सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि 350 बन रहे हैं, 350 के आसपास ही बन रहे हैं हर बार, तो वो एग्जॉस्ट हो चुका है, ये आप समझ लेना। तो मैं इसको अभी रिफ्रेश करता हूं, देखना अब ये साइट नहीं खुलेगी, बोलेगी कि ये नॉट रीचेबल है। ये काफी लो एंड का सर्वर है इसलिए ये काम कर रहा है, लेकिन हर सर्वर पे काम नहीं करता, फिर से बोल रहा हूं। लेकिन काफी मतलब हिट रेट इसका काफी ज्यादा है बाकी सारे टूल से, इसको डिटेक्ट करना भी काफी मुश्किल है। मेन बात तो यही है, इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि जो मतलब बाकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड अटैक्स है, पिंग फ्लड, सिन फ्लड, वो तो लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये तो अपन भेज रहे हैं लेजिटिमेट रिक्वेस्ट, तो इसमें कोई मतलब बुरी बात नहीं है। तो देखा आपने ये पूरी जो साइट है, कनेक्शन हैज टाइम्ड आउट, मतलब इसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो ये पूरी साइट मेरे डाउन हो चुकी है। अब ये खुलेगी नहीं, अभी तक मैंने जो अटैक्स बताए थे एचपिंग से, उसमें साइट डाउन नहीं हो रही थी, उसमें स्लो हो रही थी, यहाँ पर डाउन हो गई। तो सोचो उसका जो मतलब सीवियरिटी लेवल है वो कितना अच्छा है इसमें, स्लो और इसमें। और ये काफ़ी पॉपुलर अटैक भी है, काफ़ी पुराना है, लेकिन फिर भी इसको आप इससे बच सकते हो। आजकल के जो सर्वर्स हैं, जो आप होस्टिंग लेते हो, जो भी आप वेबसाइट बनाते हो ना, मतलब होस्टिंग वगैरह लेके, तो वो बाय डिफॉल्ट कन्फिगर्ड आते हैं स्लो लॉरिस के अगेंस्ट, जो स्लो लॉरिस उसमें काम नहीं करता। लेकिन आप कस्टम सर्वर सेटअप कर रहे हो तो उसमें आपको अलग से सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, नहीं खुलेगा जब तक अटैक आपका चल रहा है, यहाँ पर वो वेबसाइट नहीं खुलेगी, बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो आपको अटैक यहाँ पर बंद करना पड़ेगा, मैं बंद करता हूँ इसको, तो ये स्टॉप हो गया। अब देखना ये साइट खुल जाएगी, तो थोड़ा टाइम लगता है मतलब बंद करने के बाद भी जो सॉकेट्स हैं उनको बंद बंद होने में। तो ये खुल गई अब, तो देखा आपने कि कैसे कितना मतलब एफिशिएंट ये अटैक हो सकता है किसी सर्वर के लिए जो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, पार्शियल एचटीटीपी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसीलिए ये बहुत एक अच्छा अटैक है जो मैं रेकमेंड कर सकता हूं। रेकमेंड मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जाके करो किसी भी वेबसाइट पे, भाई अच्छे से प्रॉपर परमिशन ले करके, टेस्टिंग के लिए, सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए, स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए बस आप यूज करना है इसको। तो बस यही था इस वीडियो में, आई होप स्लो लॉरिस आपको समझ में आया होगा। भाई काले में इसको ऐसे यूज करना है, पाइथन इंस्टॉल करो, पिप इंस्टॉल करो स्लो लॉरिस, और वैसे ही काम है इसका, सेम कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए मैंने विंडोज में बताया है, क्योंकि विंडोज में लोगों को चाहिए होता है। तो बस यही था, और इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।